the shade of the trees, from the lights and the leaves to the bites on your knees. Kill the universe, might get a sight of the... Hey guys, hello everyone. Welcome again to my YouTube channel Techno Singh. I am Jaspal Singh, and today videos is all about हॉर्न के शौकीन बंदों के लिए ये वीडियो. इट्स फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब डैट आई एम अपलोडिंग अ डिफरेंट थिंग फॉर यू. अगर आप हॉर्न के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. इट्स अ प्रेशर हॉर्न, सो मैं बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी आवाज़ आती है और कितने का है ये और कहाँ मिल सकता है और सारा कुछ इसके बारे में बताता हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो गाइज, ये है प्रेशर हॉर्न जो कि आपको मिलेगा 12 वोल्ट में, एंड ये है इसकी मोटर. पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेशर हॉर्न दो टाइप के होते हैं. एक प्रेशर हॉर्न होता है जिसमें आप प्रेशर देते हैं एक टैंकी से. मींस दोनों प्रेशर हॉर्न में, प्रेशर हॉर्न का मतलब ही ये है कि इनको प्रेशर देना, एयर प्रेशर देना. सो एयर प्रेशर आप दो टाइप से दे सकते हैं. एक तो जो कमर्शियल व्हीकल्स होती है उसके अंदर एक एयर प्रेशर की टैंकी होती है, लाइक अ टैंक होता है कमर्शियल व्हीकल्स में, लाइक ट्रक्स वगैरह में. सो उनको प्रेशर तो वहाँ से मिल जाता है कनेक्शन करके. अब बात आती है हमारी बाइक्स की, स्कूटर की, स्कूटीज़ की. उसके अंदर प्रेशर कोई होता नहीं एयर का, तो उसके लिए ये हॉर्न आता है जिसके साथ आपको ये मोटर मिलती है. तो ये जो मोटर है ये चाइनीज़ मोटर है. इंडिया में ये हॉर्न है, आई थिंक रूट्स वगैरह ने बनाया है, बट वो बहुत कॉस्टली हो जाता है. तो ये चाइनीज़ हॉर्न है जिसकी प्राइस है, वेरी करती है 600 से लेके 1200 रुपये तक, जिस हिसाब से आप डिज़ाइन लेते हैं इसमें. जैसे मेरा प्लास्टिक है तो क्रोम में भी आता है एंड अदर कलर जो भी हैं. मेरे पास 3 पाइप हैं, 2 पाइप में भी आता है, 1 में भी आता है, 4 में भी आता है, लंबे पाइप में आता है, छोटे में, वो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं. तो ये है मोटर जो कि आपके हॉर्न के लिए जो है प्रेशर बनाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि ये जो हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैन है. ऑल ओवर इंडिया ये बैन है, बट चल रहे हैं हर जगह. तो ये मेरे पास प्रोडक्ट था क्योंकि मैं तो कमर्शियल व्हीकल का करता हूँ, तो मेरे पास ये सेल होती हैं चीज़ें. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए आपको बताने के लिए कि ये कैसे आवाज़ इसकी जो है आउटपुट है और कैसे ये वर्क करता है. तो ये मोटर है 12 वोल्ट की. इसमें आपको मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव. यहाँ पर हमने 2 वायर्स लगानी है सिर्फ इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए. दूसरा, यहाँ पे 4 हमें दिए हुए हैं, इसमें से एक 3 ओपन है, 1 बंद है. तो मतलब ये 3 पाइपल है, तो इस करके ये 3 ओपन दिए गए हैं. 4 वाला होता तो 4 ओपन कर देते. प्लस आपको इसके साथ मिलेगा एक लेंथ मिलेगी पाइप की इस तरीके की, जो कि मैंने कट करके तीनों में फिट की हैं. जैसे आप देख सकते हैं तीनों में लगाए हैं. एक की लेंथ ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम. सो ये 3 पाइप्स मिले हैं मुझे इसके साथ. प्लस आपको ये जॉइंट मिलेगा. अगर आपने कोई इंक्रीज़ करना है या एक पाइप से दूसरे पाइप में, ये उसके लिए है जॉइंट. अभी हमारे किसी काम का नहीं है. प्लस इसके साथ आपको अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ आपको रिले मिलती है हॉर्न की. 4 पिन की रिले है, 30, 85, 87 एंड इट्स 86. सो ये रिले मिलती है आपको जो कि आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करेगी शॉर्ट होने से या ज़्यादा करंट जाने से या कुछ भी है. सो आपको बताता हूँ इसकी जो आउटपुट है वो कैसे आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन सा बंद है, कौन सा खुला हुआ है. ये मैं फूंक मार के चेक करूँगा. सो ये हमारे यूज़ का नहीं है, बाकी 3 में मैं ये पाइप लगा देता हूँ. ये सिर्फ आपको बजा के दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे इसकी आवाज़ आती है. आपने सुनी होगी वॉल्वोज वगैरह में, ट्रक्स में, सब जगह हाईवेज़ पे ये हॉर्न यूज़ होते हैं. इन सिटी ये यूज़ नहीं होते. सो बात करते हैं ये कहाँ पे लग सकता है। एक्टिवा में आप एक भी पाइप लगाएंगे आउटपुट अच्छा मिलेगा, अंदर लग जाएगा इजीली। छोटे वाला पाइप लगा लीजिए, मोटर आप छोटी ले लीजिए, 2 पाइप वाला हॉर्न ले लीजिए, जो आपको सस्ता पड़ता है। सेकेंडली बात करते हैं इसकी बैटरी कितनी खाता है। ये बैटरी तो सर ये कम ही खाता है, क्योंकि आपको इसके साथ रिले मिल जाती है कंपनी से ही, चाइनीज़ प्रोडक्ट है। बाकी आप मिंडा की रिले लगवा सकते हैं इसको छोड़ के, या कोई और भी। बैटरी कम लेता है बिकॉज इसकी वजह ये है, हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने पहले बाइक में लगा रखा था, तो कम ही बजाता है बंदा इसको, ज़्यादा नहीं बजाता। इन सिटी ये कम ही बजता है, हाईवेज वगैरह पे अगर आप जाते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट हॉर्न है। सो ये है मेरे पास 2 वायर्स, ये होगी मेरी नेगेटिव वायर। बैटरी है मेरे पास 12 वोल्ट की, जिससे मैं आपको इसको बजा के दिखाऊंगा। सो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमने ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही लगाना है, बिकॉज ये चाइनीज़ मोटर है, कोई भरोसा नहीं है यार इसका, कब ये कहाँ बोल जाए। मोटर में ना वाइब्रेशन बहुत आती है, साउंड बहुत है मोटर में, बिकॉज प्रेशर देती है ना उसको, तो इस करके काफ़ी साउंड है। कान थोड़ा बंद, वॉल्यूम कम कर लेना, डर लगता है यार, काफ़ी तेज आवाज़ है। सो ऐसी आवाज़ है इसकी, काफ़ी लाउड आवाज़ है यार ये। एक तो मैं कमरे में हूँ, ऊपर घर वाले कहीं गालियाँ ना दे मुझे। सो साउंड आपने सुन ली, सॉरी मैं दोबारा नहीं सुना सकता, काफ़ी तेज लाउड साउंड है इसकी, तो आई एम सॉरी मैं दोबारा आपको नहीं सुना सकता। आप रिपीट में साउंड सुन सकते हैं अगर आपने सुनना है। अब इसमें क्या होता है, ये तो होगी मोटर की बात, ये रिपेयरेबल नहीं है, चाइनीज़ है, कोई हाथ नहीं डालता इसको। अगर आपके हॉर्न में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइक इसमें, तो इसमें एक अंदर एक पत्ता होता है हॉर्न का, आई थिंक ये खुलता नहीं होगा। बाकी जो मेरे पास प्रेशर हॉर्न से दूसरे, वो ओपन हो जाते हैं। हाँ, ये पूरा सील्ड ही है, चाइनीज़ आइटम, चाइनीज़ वाले पूरी चीज़ें सील्ड करके देते हैं, रिपेयरेबल नहीं होती इनकी। बाकी जो इंडिया में बनते हैं वो रिपेयरेबल होते हैं, ये रिपेयरेबल नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपका कोई और इसमें क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ये जो मोटर है काफ़ी हैवी है, जो वेट है वो सब इसी का ही है, वेट सारा वेट इसी का ही है। एंड ये जो इलेक्ट्रिशियन है वो लेबर आपसे ज़्यादा लेगा ये लगाने की, बिकॉज इसकी जो प्लेसमेंट करनी पड़ेगी वो थोड़ा सा टाइम लेती है। बाइक्स वगैरह में तो भारी होगी, शो होगा, मतलब सिंपली मैं कहूँगा कि शो होता है बाइक्स में। बाकी कईयों ने कार्स में भी आप इसको लगा सकते हैं, कार के बोनेट के अंदर काफ़ी जगह होती है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ये आपको हॉर्न मिल जाएगा अराउंड 550 से लेके 1200 तक वेरी करता है। और अगर आप रूट्स वगैरह का लेते हैं तो वो 2000 के आसपास आएगा। काफ़ी लाउड आवाज़ है इसकी, हाईवे पे इसको यूज़ करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। एंड इस वीडियो को प्लीज़ रॉन्ग वे में मत लेना, बिकॉज़ ये कई हो सकता है कि ऑब्जेक्शन करे कि नॉइज़ पोल्यूशन या वगैरह वगैरह को मैं इंक्रीज़ करूँ, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने जैसे एक वीडियो बनानी थी वो मैं आपको दिखाई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन if you already have done so. Thank you very much for supporting me, and good night, take care, sat sri akal.